एक बड़ी खबर इस बीच, एक देश एक चुनाव की समिति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने ये सूचना जारी की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समिति के अध्यक्ष होंगे, ये पहले ही तय हो गया था और अब 8 और सदस्यों का ऐलान किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी इस समिति के सदस्य होंगे। गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, सुभाष सी कश्यप, हरीश सालवे और संजय कोठारी को समिति का सदस्य बनाया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, हालांकि रामनाथ कोविंद समिति के अध्यक्ष होंगे इस बात का ऐलान कर दिया गया था, आज जो अधिसूचना जारी हुई उसमें सदस्यों को लेकर क्या क्या डिटेल्स दिए गए? ये कमेटी है और इसमें अगर आप देखिए तो सब लोग इसमें हैं। जैसे कि लोकसभा में जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी के जो नेता हैं वो अधीर रंजन चौधरी हैं, गुलाम नबी आजाद को भी रखा गया है। फाइनेंस से जुड़ा हुआ मामला जो है वो भी अगर आप देखिए तो फाइनेंस कमीशन के फॉर्मर चेयरमैन एनके सिंह इसमें है। तो ये सारी चीजें लॉ के जानकार है। इसके अलावा सुभाष कश्यप, जिसको उसको संविधान के बारे में सबसे ज्यादा जानकार माना जाता है, सुभाष कश्यप जी को, तो इस कमेटी में सबको रखा गया है। अमित शाह भी है, ताकि और इसका जो मकसद ये होगा, इसका जो काम ये होगा कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे राय मशवरा किया जाए, स्टेक होल्डर से राय मशवरा किया जाए, चुनाव आयोग से बात होगी कि कैसे इसकी तरफ आगे बढ़ना है, किसकी क्या राय है, पॉलिटिकल पार्टीज का इसमें जुड़ना और उनकी राय सबसे महत्वपूर्ण है। तो एक जो कंसेंसस की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे थे कि एक वक्त ये जरूरी है कि एक देश एक चुनाव की बात की जाए, पहले ये होता था, अब नहीं होता है, करोड़ों अरबों रुपए पानी की तरह बहते हैं और हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होता है, तो उसकी तरफ कदम बढ़ चुका है। कमेटी बन गई है, कमेटी का ऐलान हो गया है और जल्दी ही मुझे लगता है पहली बैठक होगी जिसमें उस बैठक में ये तय होगा कि कैसे आगे बढ़ना है, किसको कब बुलाना है, किन किन स्टेक होल्डर्स से बात करनी है, तमाम चीजें होंगी। लेकिन एक बड़ा ऐलान आज कह सकते हैं कि जो लोग कानून मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी हो गई है कि जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी के तमाम मेंबर्स सामने, उसमें तमाम क्षेत्र के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। बिल्कुल अमित, कुल मिलाकर वन नेशन वन इलेक्शन के मद्देनजर आज एक कदम और आगे हमने बढ़ा है, क्योंकि आज सदस्य जो होंगे इस कमेटी के हर बैकग्राउंड से, चाहे संविधान के जानकार हो, फाइनेंस के जानकार हो, देश की सबसे बड़ी पार्टी का नेता हो या छोटी पार्टी के, ये सभी अपनी राय इस पहली बैठक में देंगे। अपडेट्स लेते रहेंगे अमित, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।